वो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो देखते हैं पहले। डब्ल्यू बाय इक्वल एक्स क्यू एस, ठीक है, ये पैटर्न है। और सवाल है डब्ल्यू एक्स पे गया और डब्ल्यू बराबर एक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि आप कौन सा, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पर करता है सवाल इंसान। देखो डब्ल्यू से एक्स जाना है पहले आपको, ठीक है, पहले जो वाला दिखता है डब्ल्यू से एक्स जाना है, क्या डब्ल्यू से एक्स जा सकता है? जा सकता है, सिंगल साइन है, सिंगल साइन तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, और मगर ये इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल। अब देखो जी इक्वल है, ये भी जी साइन है जो, इसको भी इक्वली बोलते हैं। हमने क्या बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल है, ये दोनों चीज़ को फॉलो करता है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। और इक्वल ये तो सही, पहला साइन तो कहीं भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, दोनों सही है, पहला तो सही है। दूसरा वाला ये भी सही है क्योंकि इक्वल भी है, इक्वल भी है और दोनों, तो ये तो चला जाएगा। मगर इसमें एक कंडीशन आ जाती है, ये भी सही है, दोनों में एक कंडीशन है कि ये दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि डब्ल्यू एक्स से बड़ा है और कह दिया जाए बराबर भी है, तो तुम कहोगे नहीं, कैसे, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो कह दिया जाए ये लड़का इस लड़के से बड़ा है और बराबर है, तो आप कहोगे बड़ा हो बराबर कैसे हो सकता है, दोनों में से एक या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों में से एक होगा कोई, ये तो है नहीं है कि ये भी बराबर भी है और बड़ा भी है। क्योंकि आप किसी को कहोगे, किसी इंसान को कहे आकाश राहुल से बड़ा भी है और बराबर भी है, नहीं बोलोगे आप, क्योंकि या तो आप बड़ा बोलोगे या आप इक्वल, या बड़ा बोलोगे या आप इक्वल बोलोगे कि ये या तो बराबर है या तो ये बड़ा है, यही बोलोगे आप, तो ये बोलोगे नहीं कि ये बड़ा भी है बराबर दोनों, तो बोलोगे नहीं। इस कंडीशन में आपकी यह कंडीशन होती है, जब ये दो साइन आ जाए, जब वो बड़ा भी है और बराबर भी है, जब ये दोनों साइन आ जाए, तो आप हमेशा यह कंडीशन वाला सवाल लगाओ, आंसर लगाओगे, आपको सवाल में मिलेगा, आपको सवाल में मिलेगा यदि या तो एक निष्कर्ष सही है या तो दूसरा निष्कर्ष सही है, आपको ये सवाल में मिलेगा। तो आप थर्ड मतलब जो सीट, आपको अगर सीट चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपको, तो आपको ये सीट मिल जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। क्योंकि देखो इसमें इक्वल बड़ा भी है और इक्वल भी है, और ये बराबर ही है, इक्वल दोनों होगा, बड़ा भी है इक्वल भी है, तो इसलिए कह सकते हैं आप इसकी या कंडीशन वाला सवाल लगेगा इसमें, आई बात समझ में। या कंडीशन समझ में आई, कब लगेगा, जब दोनों साइन एक में मिल जाए आपको, जब दोनों साइन एक में मिल जाए आपको, जब ये भी हाल है ये भी हाल है, ये मिल जाए। अगर मान लो यहाँ पर हम ये वाला साइन लगाते हैं तो ये नहीं फॉलो करता, ठीक है, तब ये फॉलो नहीं करेगा, फिर जब यही सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा और ये सही होगा, क्योंकि ये सिंगल साइन है और सिंगल साइन है। इक्वल वाले में क्या चाहिए पड़ता है, आपको डबल साइन चाहिए पड़ेगा, या तो इक्वल मांगेगा वो या तो डबल साइन मांगेगा, ठीक है, इसलिए ये वाली कंडीशन में आपका ये वाला अकेला सही होगा, ये गलत हो जाएगा, बात है समझ में। अगर दोनों सही करने के लिए आपको ये वाला साइन लगाना ही आना चाहिए, तभी आपको दोनों सही होगा, बात है समझ में, ठीक है। अब ये को सवाल, ये को सवाल वो देख लेते हैं इसका, जैसे 9 वाला सवाल, एक और सवाल देखते हैं। आई पी
कॉमा जे टी बराबर टी। ठीक है, तो ये सवाल है। और हमारा जे दे दिया है पहला एच एच जे, दूसरा दिया है एच बराबर से। ठीक है, ये देखो दोनों सवाल वही सेम है, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। अब जे से एच पे जाना है, जे कहाँ है यहाँ है, एच कहाँ यहाँ है, आप जे से एच पे जा रहे हो क्या? ठीक है, इसमें देखो दोनों से बड़े साइन लगे हैं और ये सिंगल साइन है, सिंगल साइन कहीं भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी सही हो गया। ये वाला ये तो इक्वल है, ये भी देखो इक्वल वाला साइन लगा है, इक्वल वाला साइन लगा है, इक्वल वाला साइन लगा है, तो ये भी जा सकता है। मगर आपको इन कंडीशन में आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मान लो हम यहाँ से एक साइन हटा दें तो सिर्फ ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल साइन है और ये इसको चाहिए डबल साइन, तभी ये सही होगा। अगर यहाँ सिंगल है तो ये गलत हो जाएगा जो वाला, मगर अगर हम यहाँ लगा देंगे तो फिर ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में या कंडीशन लगती है या तो एक या तो दो, इस कंडीशन में या तो एक सही होगा या दो सही होगा। क्यों? क्योंकि या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, इसलिए इन दोनों में से एक सही होगा। आई बस सही है। ठीक है, सिंगल साइन है, कहीं भी जा सकता है, दिवाला साइन इक्वल वाले हैं, जहाँ से दो साइन होने चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या तो दो साइन होने चाहिए। आई बस सही है। ठीक है, ये वाला पैटर्न खत्म हो गया। अब एक ही पैटर्न बचा है, वो और समझ लेते हैं, पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जो इतना है नहीं। ठीक है, एक सवाल है टर्न नौ और 12 14। एक सवाल देखते हैं 12 और 14 का सवाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत समझने की जरूरत है। 12 सवाल, पी से आप ओ भी गए, एस पे गए, टी पे गए, पी से आप आर पे गए, वाई पे गए। पहला है पी टी पे जा रहा है और पी टी से पी जा रहा है, और 14 सवाल है आई से पी पे, पी एच जी ए बराबर में ए से आप ई पे जा रहे हैं, और सेकंड वाला है पी बराबर जी। ठीक है, ये सवाल को देखना होता है, ये सवाल आपका देखो वो सेम नंबर थे, ये अलग अलग नंबर है, तो इसे ध्यान से देखना, नहीं तो तुम वही समझ लो, ये अलग पैटर्न है, वो अलग पैटर्न था। ठीक है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या पी से आपको टी जाना है, पी से आप टी जा रहे हो। ठीक है, मगर ये डबल साइन है और यह सिंगल साइन है, आप पी से टी पे तो चले जाओगे अगर सिंगल साइन होता तब, मगर ये डबल साइन है इसलिए ये नहीं जा सकता है। ठीक है, बस समझ आई, क्योंकि डबल साइन वाला डबल ही के साथ जाएगा, सिंगल के साथ नहीं जाएगा, सिंगल वाला डबल के साथ चला जाएगा, मगर डबल वाला मान लो अगर एक 100 किलो का और 50 किलो का, क्या 50 किलो वाला 100 किलो को ले जाएगा? नहीं ले जाएगा ना, और 100 किलो वाला 50 वाले को लेके जा सकता है, उठा के लेके चले जाएगा, मगर 50 वाला 100 किलो को उठा के लेके जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही कंडीशन है कि आप 100 किलो वाले को 50 के कंपेयर में नहीं कर सकते आप,
इसलिए 100 वाला 50 को उठा के चले जाएगा, मगर 50 किलो वाला 100 को उठा के नहीं जा पाएगा। ये याद रखना तरीके से, ठीक है? तो ये से नहीं जा पाएगा। क्या टी से आप पी जा रहे हो? टी से आप पी तो ये भी नहीं जा सकता, क्योंकि टी का रास्ता तो बंद हैगा, तो टी पे जा ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। आई बात समझ में? ठीक है। अगर मान लो थर्ड पैटर्न जो होता है पी सिंगल टी, अगर सिंगल दिया होता तो आराम से चले जाता, क्योंकि ये सिंगल साइन है और यहाँ भी सिंगल लगा है, तो ये चला जाता, सिंगल साइन चला जाता।